इंसान जो करता है वही लौट कर उसके पास आता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अच्छे कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, पर जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। आप लोगों ने कहा था बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, आपने तो इसकी कद्र तक नहीं की। जब तकलीफ खुद की बेटी और बेटे पर आई तब आपको एहसास हुआ कि आपने दूसरे की बेटी की कद्र नहीं की। सुनीला जी को अपनी समधन विमला जी से शिकायत थी कि उनकी बेटी नैना की उनके घर में कद्र नहीं होती। विमला जी बोली, बहन जी आपकी हर बात हमारे सर माथे पर, अब गलती बेटे से हुई है तो सुनना तो पड़ेगा ही। इन दोनों के मामले में ज्यादा पड़ती नहीं थी, पर रवि के साथ साथ बहू से भी एक शिकायत है। औरतों को तो थोड़ा सुनने की आदत डालनी चाहिए, लगता है आपने इसे ससुराल का चलन सिखाया ही नहीं। सुनीला जी बोली, इतना कुछ करने के बाद भी आप मेरी बेटी की शिकायत कर रही है, आप भी तो एक औरत है, आखिर क्यों हर बार औरत ही सहेगी और सुनेगी। शादी के वक्त तो आपने कहा था कि बेटी बनाकर रखेंगे, उस वक्त तो आपने ये नहीं कहा था कि इसे आपके बेटे की गुलामी करनी होगी। विमला जी बोली, आप तो मेरी बातों का दूसरा अर्थ निकाल रही है, मैं तो बस इतना कह रही थी। सुनीला जी हस्तक्षेप करते हुए बोली, बीच में बोलने और आपके परिवार के मामले में बोलने के लिए माफी चाहूंगी। सहने और झुकने का नतीजा आपने अपने घर में रीमा बेटी को देख लिया है, बेचारी ने कितनी यातनाएं सही। अगर सही वक्त पर आपने उसके मन के दुख को समझा होता तो इतनी यातनाएं सहनी नहीं पड़ती, पर मैं अपनी नैना को ये सब सहने नहीं दूंगी। विमला जी बोली, आप हमारी तकलीफ का मजाक उड़ा रही है। सुनीला जी बोली, मजाक नहीं बल्कि आपको याद दिला रही हूं कि आपने बेटी को सहने का सुझाव देकर पहली गलती की और दूसरी गलती अपनी बहू के साथ वही सब होने दिया। कहां गया आपका वो वचन जो शादी के वक्त आपने हमें दिया था कि आप हमारी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। हिम्मत कैसे हुई दामाद जी की कि उन्होंने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। हम उन माँ बाप में से नहीं है जो बेटी को विदा करके पल्ला झाड़ लेते हैं। अरे जो दिल पर पत्थर रखकर बेटी को सुखी देखने के लिए विदा कर सकते हैं, वो उसके उज्जवल भविष्य के लिए क्या उसे दोबारा अपने साथ भी नहीं रख सकते। दोनों परिवारों में बहुत देर वार्तालाप चली। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक रोज नैना ने रवि का फोन इस्तेमाल किया और उसमें रवि की कुछ महिला सहकर्मियों के साथ आपत्तिजनक तस्वीर देखी। उसने सवाल जवाब किया तो आवेश में रवि ने नैना पर हाथ उठाया और झूठ बोला। नैना चुप रहने वालों में से नहीं थी, उसने उसका विरोध किया और रवि से बोली, तुम्हें अपने बर्ताव के लिए अपने परिवार के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। वो बोला, तुम्हारी औकात क्या है, कोई गलत फहमी मत रखना, अरे मुझे तुम्हारी जैसी बहुत मिल जाएगी। दोनों की आवाज बाहर तक आ रही थी। उस दिन तो विमला जी ने कैसे भी नैना को समझा बुझा कर रोक लिया। विमला जी बार बार नैना को समझौता करने के लिए कह रही थी। नैना बोली, अगर मेरी जगह रीमा दीदी होती तब भी आप ऐसा ही करती। विमला जी बोली, बहू शुभम शुभम बोलो, तुम ज्यादा ही बोल गई, अपनी तुलना मेरी बेटी से मत करो। अभी दो दिन ही बीते थे कि रीमा के ससुराल वालों ने फोन किया, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। विमला जी अपने पति के साथ बेटी के ससुराल गई। रीमा को कई जगह चोट लगी थी, डॉक्टर ने बताया ये घरेलू हिंसा के निशान है। मां के बार बार पूछने पर रीमा फूट फूट कर रोई और अपने पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत मां से की। विमला जी ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रीमा बोली, मां मैंने आपसे कई बार शिकायत की पर आप हर बार मुझे समझौता करने की सलाह देती थी, क्या मिला मुझे समझौता करने से, ये अपमान और ये तकलीफ। जब पति औरत की इज्जत नहीं करता है तो उसकी ऐसी ही दुर्दशा होती है। इस घर में मेरा रिश्ता करने से अच्छा आप मुझे कुएं में फेंक देती। उस वक्त विमला जी को नैना की याद आई। विमला जी को आने में दो दिन लग गए। इधर नैना और रवि की बात बढ़ती ही चली गई और नैना ने सुनीला जी को सारी बात बताई। सुनीला जी आई और अपनी बेटी को घर ले आई। लोगों में बात फैलने लगी तब विमला जी बहू को मनाने उसके घर पहुंची थी। नैना ने जाने से इनकार कर दिया था
समाज में बात फैलने लगी। विमला जी के घर की बहुत बदनामी हो रही थी। वह रवि से बोली, तुम्हारे कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। सच कहा था बहू की माँ ने, किया हुआ वापस आता है। बात घर से मोहल्ले, मोहल्ले से शहर और रवि के दफ्तर तक पहुंचने लगी। वहां उसकी कई महिला सहकर्मी थी, सबने उसका विरोध जताया और संयोगवश रवि की बॉस भी एक महिला थी। सभी ने जब रवि की शिकायत की तो बात रवि की नौकरी पर आई। तब उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। आनन फानन में रवि नैना के घर पहुंचा। उसके माता पिता के सामने उसने माफी मांगी, परंतु उसकी बातों से यह नहीं लग रहा था कि उसे गलती का एहसास है। वो बोला, बात को यहीं खत्म करो, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। आखिर तुम्हारे माँ बाप कितने दिन तुम्हें पालेंगे, अब घर चलो। नैना ने जोर का थप्पड़ रवि को जड़ दिया और बोली, मैं अपनी बेइज्जती सह गई, पर अपने माँ बाप की बेइज्जती कभी नहीं सहूंगी, याद रखना। औरत अगर झुकती है तो रिश्ता निभाने के लिए, उसे इतना भी मजबूर मत करो कि वो दुर्गा और काली का रूप ले ले। रवि बोला, तुम चलोगी कि नहीं ये बताओ, बाद में मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, पड़ी रहना मायके में। नैना बोली, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मैं किसी अंधे कुएं में कूद जाऊं, झूठी माफी का टोकरा लेकर दफा हो जाऊं। अब तुमसे या तुम्हारे परिवार से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अरे जो अपनी बेटी को ना संभाल सके वो अपनी बहू की क्या कदर करेंगे। वक्त बीता, कोर्ट कचहरी के काम में थोड़ा समय लगा और नैना को आखिरकार उस रिश्ते से आजादी मिल गई। अब वो बेटी बनकर ही अपने माँ बाप के घर में खुश थी। बहू बनने के बाद जब उसकी कद्र नहीं हुई तो अब बेटी बनकर माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभा रही थी। दोस्तों, ये शिकायत नहीं पर कुछ लड़कों के परिवार वाले जब बहू को विदा कराने जाते हैं तो बहुत अकड़ कर कहते हैं, बहू को बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, बाद में बेटे के मोह में दोहरा व्यवहार कर देते हैं। कई घरों में तो लड़की को इंसान तक नहीं समझते, फिर बहू की कद्र क्या करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।